गाइस फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अजमेर शरीफ किशनगढ़ एयरपोर्ट से किस तरीके से मुंबई जा सकते हो, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, किस तरीके से आप लोग उन शहरों से अजमेर फ्लाइट के ज़रिए आ सकते हो, क्या टिकट प्राइस लगेगा आप लोगों को, और बस टेम्पू का भाड़ा क्या लगेगा, और कहाँ से बस टेम्पू मिलेगा, कैसे जा सकते हो किशनगढ़ एयरपोर्ट या दीगर शहरों से अजमेर आ सकते हो। तो पूरा वीडियो कंटिन्यू देखना ताकि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आए। गाइस मैं आपका दोस्त मिस्टर खान। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा है कि मैं जा रहा हूँ मुंबई, अजमेर टू मुंबई। तो आज मैं अजमेर के एयरपोर्ट से जाऊंगा, यानी किशनगढ़ से। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर किशनगढ़ है, तो अजमेर से फ्लाइट जाती है भाई मुंबई, और भी बहुत सारी जगह जाती है। तो मैं अभी तो पूछ के बताऊंगा जेपी भाई से। तो मैंने यहाँ टिकट बुक कराई, तो कितने रुपये की टिकट पड़ी मुझे और कितने घंटे का सफ़र पड़ेगा वो पूरी जानकारी करते हैं और आपको बताते हैं, और कैसे अजमेर शरीफ आप भाई फ्लाइट आ सकते हो और क्या क्या मिलता है फ्लाइट में सुविधा, तो पूरी जानकारी करते हैं और आपको बताते हैं। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो ये मैं हूँ, पहुँच गया हूँ रेलवे स्टेशन। देख सकते हो ये सामने रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के सामने ही है जेपी ट्रेवल्स। मैं अक्सर यहाँ पर आता हूँ, यहीं से मैं बस, जो आप मेरी स्लीपर बस देखते हो, मैं यहीं से कराता हूँ। रेलवे की टिकट मैं वैसे करा चुका हूँ कई बार, और एयर की टिकट आज कराने आया हूँ, और टैक्सी बुकिंग भी होती है क्या। तो यहाँ पे फाइनली जेपी भाई है, बाकी इनसे जानकारी लेंगे। तो गाइस फाइनली मैं आया हूँ जेपी ट्रेवल्स पे, जहाँ पे मैंने स्पाइस जेट की क्या बोलते हैं फ्लाइट बुक कराई है। तो अभी कितने रुपए की पड़ी मैं वो पहले जान लेता हूँ, कितने की पड़ी अपने को। ये आपको 6,300 रुपये, 6,300 रुपये की टिकट पड़ी है किशनगढ़ से मुंबई। ये देख सकते हो 6,000, ये देख सकते हो, जूमिंग कर सकते हो, 6,350। मतलब एक चीज़ बता दूँ आपको कि यहाँ पे फ्लाइट का मसला ये कि आपकी टिकट का रेट कम ज़्यादा होता रहता है। हाँ, फ्लाइट का रेट तो हम 10 मिनट में भी चेंज होता है, फ्लाइट का रेट है ना, 10 मिनट में चेंज होता है, कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। अभी होली है तो होली की वजह से इतना चला है, नहीं तो 3,000-4,000 तो चल, 4,000 में कूपन फेयर भी आ जाता है हमारे पास, तो 4,000-3,500 में भी दे देते हैं। तो मैंने आपको इनको टिकट भी बना दी है स्पाइस जेट की। इसके बाद हमारे पास फैसिलिटी है कि हम बोर्डिंग पास भी इनको यहीं से निकाल के दिया है। देखो बोर्डिंग बोर्डिंग पास, सीट भी सब नंबर यहीं से चूज हो गया, इनको लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रिया इनका, शुक्रिया। तो यहाँ पे आप एक चीज और बता दो, तो अगर आप लोगों को विंडो सीट चाहिए ना तो रिकमेंड कर सकते हो आप, तो विंडो सीट भी आपको मिल जाएगी और हम रिकमेंड कर देते हैं। यहीं से इनको बोर्डिंग पास निकाल के दिए, आगे इनको लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं पड़े, हमारी इधर पूरी फैसिलिटी मिलेगी। ये बताइए कि कहाँ कहाँ की फ्लाइट अजमेर से भी जा रही है। किशनगढ़ से तो अभी हैदराबाद की फ्लाइट चल रही है, इंदौर की फ्लाइट चल रही है, अहमदाबाद चल रही है, हैदराबाद चल रही है, सब जगह फ्लाइट चल रही है, मुंबई चल रही है, बिल्कुल दिल्ली भी चल रही है, दिल्ली भी चल रही है। मतलब बड़े शहर जितने भी हैं सारे बड़े शहरों के आगे चल के सब जगह की किशनगढ़ से फ्लाइट शुरू हो जाएगी। मात्र 25 किलोमीटर दूर है अजमेर से किशनगढ़, तो आपको आसानी के सीधा आप कोई भी शहर से अजमेर डायरेक्टली आ सकते हो। बहुत जुड़ गया, अभी तो पूरा जुड़ जाएगा ये। हाँ, और भी होगा। अच्छा एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि आपके पास और कहाँ कहाँ की मतलब ट्रेन टिकट, बस टिकट भी सब जगह, टोटल ट्रेन टिकट, बस टिकट, कार भी बुक कर सकते हो, कार भी बुक करेंगे आपको, बिल्कुल मिल जाएगा। तो आप इन स्क्रीन पे नंबर चलेंगे, जेपी भाई को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और टिकट बुक करा सकते हो, बहुत किफायती रेट में, सस्ते में कराते हैं। और हमारे जो सब्सक्राइबर हमारे मेरी थ्रू आएंगे ना, तो उसको क्या डिस्काउंट दोगे, स्पेशल डिस्काउंट देंगे, जो मिस्टर एम खान का नाम लेंगे उनको स्पेशल डिस्काउंट पहले भी मिला है और अभी भी मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो चलते हैं, कैमरा घुमाते हो नजर। ये देख सकते हो फाइनली मेरी कार आ चुकी है और मेरा बैग, और हम जा रहे हैं मुंबई। तो चलो चलते हैं किशनगढ़ एयरपोर्ट। तो अभी मेरी फ्लाइट जो है ना 3:30 बजे की, तो मुझे 1 घंटे पहले पहुँचना पड़ेगा, तो हमारे किशनगढ़ का एयरपोर्ट जो है ना बस वहीं पहुँच रहा हूँ। तो चलो चलते हैं, कैमरा घुमाते हैं और आपको नज़ारे कराते हैं, पूरा लंबा टूर रहेगा मूवी। दिन के बज चुकी है 2, मेरे को एयरपोर्ट जल्दी पहुंचना था पर मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, कहीं मेरे साथ में ये कांड नहीं हो जाए पिछली बार की तरह, क्योंकि पिछली बार मैं कोलकाता आ रहा था तो क्या हुआ कि मैं 5 मिनट लेट हो गया, मेरे को बोर्डिंग पास नहीं मिला। इस बार अल्लाह का शुक्र है, मेरी वो टिकट दिखाई हो ना, टिकट दिखाना। अभी इस बार अल्लाह का शुक्र है कि मैंने टिकट के साथ साथ बोर्डिंग पास भी ले लिया है, तो आधार कार्ड भी जमा डाल दिया है। और एक चीज़ बता दूँ, आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है, आप अपना आधार कार्ड हाथ में लेके चलो, कैंची डालना मत, कैंची हो या कोई भी चीज़ होती है ना वो चीज़ें डाल के मत चलना, क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट में आपको चेकिंग होती है। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, बेल्ट की चेकिंग भी होती है, बेल्ट उतारना ही पड़ेगा, फ़ोन भी दूसरे टोकरी में देना पड़ेगा, अपना लगेज अलग अलग देना पड़ेगा। तो ये मेरा भाई आ चुका है, मुझे लेके जा रहा है एयरपोर्ट। तो अभी हम लोग यहाँ से मात्र 25 किलोमीटर दूर है, मेरा दोस्त भी मेरे साथ में, ना लो येरा मेरा बैग। तो मेरे को बहुत याद आएगी इन लोगों की, मिस करूंगा बहुत ज़्यादा इन मेरे दोस्तों को। खैर मुंबई में भी बचाएंगे, मेरे नए दोस्त मिलेंगे वहाँ पर। ये कह रहा सही है भाई, छोड़ के जा रहा हूँ, डेली साथ में रहता तो यार याद तो आएगी ना। खैर 4-5 दिन का टूर है करके आएंगे और मुंबई शहर भी घुमाएंगे, मचाएंगे।
बाकी मजा आया चलो चलते हैं बाकी दिखाते हैं एयरपोर्ट का। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो अजमेर शरीफ से 25 किलोमीटर दूर मैं आ चुका हूँ हाईवे में, यानी मैं पहुँच चुका हूँ किशनगढ़ एयरपोर्ट। तो मैं आपको बता दूँ किशनगढ़ एयरपोर्ट आपको सिर्फ कार लेके जानी पड़ेगी, आपको इस तरीके से बाइक में नहीं जा सकते हो ना ऑटो लेके जा सकते हो। ऑटो और बाइक बिल्कुल भी अंदर अलाउ नहीं है, आप पर्सनली खुद की कार लेके जा सकते हो और अंदर पार्किंग चार्ज भी लगता है, तो पार्किंग चार्ज भी आपको लगेगा। तो पहले पार्किंग चार्ज मतलब पार्किंग का टिकट देना पड़ेगा, कटवाना पड़ेगा, मात्र 20 रुपये लगता है और बाकी आपके शहर में क्या लगता है मुझे पता नहीं है। तो चलो चलते हैं अभी एयरपोर्ट के अंदर का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली आप सामने देख सकते हो किशनगढ़ एयरपोर्ट, जो कि अजमेर का नया एयरपोर्ट है, अभी बना ही है हाल में। तो माशाल्लाह अभी यहाँ पे छोटी फ्लाइट आ रही है, इसके बाद में बड़ी फ्लाइट भी आना शुरू हो जाएगी क्योंकि अभी ये स्टार्ट हुआ ही है। तो देख सकते हो हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। मैं आपको बता दूँ कि 1 घंटे पहले हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं और आप भी 1 घंटे पहले ही जाएँ, क्योंकि अगर लेट गए ना तो कभी कभी बोर्डिंग पास नहीं मिल पाता है। ये देख सकते हो किशनगढ़ एयरपोर्ट बहुत शानदार बहुत खूबसूरत बना हुआ है, और ये हमारे लिए यहाँ से डायरेक्टली मुंबई की फ़्लाइट है मेरी, और बहुत आसानी काम हो गया है और इंशाल्लाह और भी बड़ा हो जाएगा ये, तब और दिखाएंगे आपको। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि एयरपोर्ट के अंदर जैसे आपके कोई दोस्त आए हुए हैं या कोई भी आए हुए हैं ना, उनको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको एंट्री मिलेगी। जो पर्सन फ्लाइट में सफ़र करना चाहता है सिर्फ वही अंदर जा सकता है। और ये देख सकते हो यहाँ पे बैग की चेकिंग होती है, कितने किलो वज़न का तुम्हारा बैग है, अगर ज़्यादा वज़न रहेगा तो पैसे एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, और वज़न नहीं है तो आपको ले जाने देंगे। और ये किशनगढ़ एयरपोर्ट का वेटिंग रूम है जहाँ पे वेट कर रहे हैं फ्लाइट के लिए, फ़्लाइट आएगी वो भी दिखाएंगे आपको। और एक चीज़ बता दो, एयरपोर्ट के अंदर आपको शॉप भी मिल जाती है जिसके अंदर आपको खुद ही पे करना पड़ेगा, खुद चार्ज करना पड़ेगा। बढ़िया की चार्जेस क्या है वो भी आपको जानकारी करके बताता हूँ। अलग है यहाँ की रेट, सब देख सकते हो आप, सब 150-200 रुपये से स्टार्ट है। लिव एंड वेडिंग टी 80 रुपये की यहाँ पर। ये मेरे को कितने का पड़ा है रेड बुल, कितने का पड़ा मुझे यहाँ? 150 का रेड बुल पड़ा है। और सैंडविच ये वाला है 150 का सैंडविच है एयरपोर्ट के अंदर हमारे अजमेर किशनगढ़। यहाँ पर ऑनलाइन का सिस्टम भी, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। और एयरपोर्ट में थोड़ा बाहर से थोड़ी महंगी चीज़ मिलेगी पर मिल जरूर जाएगी, जो भी चीज़ चाहिए आपको। हाँ तो देख सकते हो नाश्ता करते करते हमारी फ़्लाइट भी आ चुकी है। तो यहाँ से किशनगढ़ एयरपोर्ट से आप देख सकते हो यहाँ से अभी मिनी फ्लाइट चल रही है, और क्योंकि अभी नया एयरपोर्ट बना है, बनाने वाले टाइम में इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा और काफ़ी ट्रैफिक एरिया हो जाएगा, तो फिर काफ़ी बड़े बड़े हाईवे प्लेन्स भी यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। और ये देख सकते हो आज हम लोग स्पाइट जेट पे ही सफ़र कर रहे हैं, और भी जानकारी करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी प्लेन या फिर कौन कौन सी कंपनी क्या बोलते हैं सर्विस दे रही है। अभी चलो अंदर चलते हैं और अंदर की भी चीज़ें दिखाएंगे आप लोगों को। तो आप देख सकते हो हम लोग अंदर आ चुके हैं, और एक चीज़ बता दूँ मिनी फ्लाइट में आप देख सकते हो 2 सीट इस तरह पे, 2 सीट इस तरह पे, यानी एक लाइन पे 4 सीट है। और यहाँ पे लगेज रखने के लिए दोनों तरफ रखा बना हुआ है आप देख सकते हो। यहाँ पे वॉशरूम भी मौजूद है अंदर ही, तो वो भी जब लैंडिंग कर रही होगी ना फ्लाइट तब तो आप यूज़ नहीं कर सकते, पर लैंडिंग करने के पहले जब मात्र 2 घंटे का सफ़र रहता है तो उसके दौरान आप लोग कर सकते हो क्या बोलते हैं बाथरूम को भी यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि इस प्लेन के अंदर आपको सर्विस भी दी जाती है, जैसे टीवी देते हैं या फिर आपको क्या बोलते हैं कैपेचिनो देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं देते हैं ये लोग। और एक चीज़ बता दूँ कि आप लोग धूम्रपान बिल्कुल भी अंदर नहीं कर सकते, यानी सिगरेट वगैरह नहीं ले जा सकते, सीट बेल्ट को लगा के बैठना पड़ता है आपको, और एसी भी चलती है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि इसमें आप लोग अपना खुद का खाना वाना नहीं ले जा सकते अंदर, और आपको पानी की बोतल दी जाती है। और मतलब जब प्लेन चलती है ना तो मतलब पेट में थोड़ी सी गुड़बुड़ी होती है, और जब ऐसा लगता है झूला झूल रहा है, और प्लेन की बस आवाज़ आएगी और मतलब गुदगुदी जैसी फील होगी, और थोड़ा दांतों में ऐसा फील। मैंने विंडो सीट बुक कराई थी, ये फ्लाइट बहुत छोटी है, ये अजमेर से क्या छोटी फ्लाइट चल रही है, बट मुंबई से बड़ी फ्लाइट आती है, तो वो भी दिखाऊंगा मैं। पर आपको एक चीज़ बता दूँ, एक समय ऐसा था कि मैं सिर्फ सोचता था कि मैं एयरपोर्ट जाऊँ और एयरपोर्ट देखूँ कैसा लगता है, मैंने ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं रखा था कि मैं फ्लाइट में सफ़र करूँगा, पर अलहमदिल्ला ऐसा करूँगा कि अब मैं फ्लाइट में सफ़र करूँगा। तो मैं खैर बात नहीं करूँ, पर यहाँ पर मेरे को विंडो सीट मिल चुकी है,
पड़िएगा। यहाँ पर सीट बेल्ट दिया जाता है, सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी होता है। इस पार्ट जेट की तरफ सिर्फ वाटर मिलता है, खाने पीने कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। कोई बड़ी फ्लाइट करते हो ना बुक, तो उसमें आपको खाने पीने को भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर इसमें सिर्फ वाटर मिलेगा। तो देख सकते हो गाइस, फाइनली हमारा प्लेन स्टार्ट हो चुका है और अब ये उड़ान भरेगा, तो मैं उड़ान भरते हुए भी आप लोगों को दिखाऊंगा और कैसा व्यू दिखता है ऊपर से, वो आसमान से, वो भी दिखाता हूँ। तो देख सकते हो हमारी फ्लाइट उड़ान के लिए तैयार हो चुकी है और फाइनली ये देख सकते हो उड़ान भरना शुरू हो चुकी है। और एक चीज़ बता दूँ कि जब फ्लाइट हवा में आती है ना, तो पहिए जो होते हैं ना उसको बंद कर दिए जाते हैं, और ऊपर से कैसा व्यू दिखता है मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, मतलब ऊपर से आप लोगों को घर मकान ऐसे दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे माचिस की खोखी की तरह दिखेंगे और पूरा शहर कुछ दिखेगा नहीं। और यहाँ पर तुम्हें जो गाड़ी घोड़े जो चढ़ते हुए दिख रहे थे ना, वो भी नहीं दिखेंगे, पहाड़ वगैरह सब नीचे हो जाएंगे और ऊपर मात्र सिर्फ आपको दिखेगा क्लाउड, यानी क्या कह सकते हो, पृथ्वी जिसे कहते हैं, गोल पृथ्वी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ बादल दिखने वाले और कुछ भी नहीं दिखने वाला, नीचे बहुत कम व्यू आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से आपको नदी वगैरह जो दिखेगी कुछ इस तरीके से दिखेगी, और नाइट में तो कुछ भी नहीं दिखने वाला, नाइट में बस लाइटें चमकती हैं शहरों की जो। और एक चीज़ बता दूँ, टाइम पास के लिए आपको यहाँ पर बुक दी जाती है, जो इनके गाइडलाइन होती है उस गाइडलाइन को पढ़ सकते हो, और उसके अलावा टीवी वगैरह कुछ भी नहीं लगाई जाती है। और फाइनली बात करते करते हम लोग पहुँच चुके हैं मुंबई शहर। तो आप देख सकते हो ये शायद हाजी मलंग की पहाड़ है, तो देख सकते हो ये पूरा शहर पहाड़ों पर बसा हुआ है, पूरा दरगाह शरीफ। मैं यहाँ का पूरा स्पेशली ब्लॉग बनाऊंगा। और हम लोग आ चुके हैं मुंबई शहर, तो मुंबई शहर कुछ इस तरीके से ऊपर आसमान से दिखता है। और एक चीज़ बता दूं कि मुंबई शहर में ना आपको झोपड़पट्टी भी दिखेगी, यहाँ पे हर एक चीज़ है जो भी आपको देखना है सब कुछ दिखेगा। यहाँ झोपड़पट्टी भी दिखेगी आपको, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखेगी, यहाँ पर जंगल एरिया भी दिखेगा, यहाँ पर पहाड़ दिखेगा, यहाँ पर सब कुछ है मुंबई। मतलब मैं कह नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मुंबई में क्या है। मुंबई में समुंदर भी मिलेगा, सब कुछ है मुंबई में, झोपड़पट्टी, बिल्डिंग, जंगल, समुंदर, पहाड़, रेगिस्तान, सब कुछ है यहाँ पे ऑल टोटल। और फाइनली हम बात करते करते मुंबई शहर भी पहुँच चुके हैं और अभी एयरपोर्ट लैंड करेंगे, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो देख सकते हो बात करते करते हम लोग कुर्ला जरी मरी एरिया में पहुँच चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा स्लम एरिया कहा जाता है। जैसे कि आपने धारावी नाम सुना है स्लम एरिया है, वैसे ये भी स्लम एरिया है और यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी है। और अभी हमारी फ्लाइट लैंड होने वाली है, तो वो भी दिखाएंगे। और गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके की नई नई वीडियो यहाँ पे लाता रहूँगा और इसी तरीके की अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा। तो बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिले मेरी, और लाल कलर का बटन जरूर दबा देना ताकि सबसे पहले वीडियो मिले और सबसे मतलब पहले आपको वीडियो दिखे। और फाइनली हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, ये देख सकते हो अब हमारी फ्लाइट लैंडिंग होने वाली है। ये देख सकते हो पहिया किस तरीके से लैंड करेगा, ये देखिए अभी आवाज़ आएगी, बहुत भयंकर आवाज़ आती है, वो शायद आपको सुनने को ना मिले, पर बहुत ख़तरनाक आवाज़ आती है, ये देखिए। और फाइनली फ्लाइट हो चुकी है लैंड मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये हमारे इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से हर जगह की फ़्लाइट जाती, तुर्की, लंदन, जापान, अमरीका, हर जगह के लिए जाती, सऊदी अरब। फाइनली अभी बाहर जाएंगे, वो भी आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाते हैं पहले थोड़ा बहुत, फिर बाहर जाएंगे वो भी दिखाएंगे। ये देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी फ्लाइट्स यहाँ पे खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं सामने इंडिगो की फ़्लाइट देख रहे हो, जिसके अंदर एक बेनिफिट ज़रूर होता है कि पिछली बार मैंने फ़्लाइट में लेट हो गया था तो इन्होंने मेरे को पैसा रिफ़ंड कर दिया था, तो अच्छी सुविधा देता है। और ये स्पाइस जेट की फाइनली हमारी बस आ चुकी है, जिसके अंदर आप लोग ज़ायरीन बैठ करके एयरपोर्ट के मतलब दरवाजे पे छोड़ते हैं, फिर उसके बाद में एयरपोर्ट के बाहर आप जा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से चाहे इंडिगो हो, चाहे स्पाइस जेट हो, चाहे एयर इंडिया हो, उनकी सबकी अपनी अपनी बस होती है और अपनी अपनी बसों में लेकर के आपको छोड़ते हैं। और एक चीज़ बता दूं, ये देख सकते हो सामने आप, ये इंडिगो की बस है, कुछ इस तरीके से दिखती है। स्पाइस जेट की बट रेड कलर की होती है, एयर इंडिया की वाइट कलर की होती है, तो जिसकी जो बस उस तरीके से उसका कलर, और ऐसे ये कंटेनर जो खड़े हुए हैं इस तरीके से वो भी सफ़र करते हैं। और फाइनली मैं एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुका हूं, ये देख सकते हो मतलब ये स्पेस एरिया है और काफ़ी शानदार खूबसूरत या क्या बोलते हैं एयरपोर्ट को डेकोरेट किया गया है।
पहचानते हो मुझे? हमारे भाई सब्सक्राइबर ही मिल गए, शुक्रिया। अरे अरे चलो कोई बात नहीं, रहने कैसे नहीं उठा लो ब्लॉग देखा आज मेरा। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आप? तो अभी आए गोवा से? क्या बात है, एयरपोर्ट में आए और सब्सक्राइबर मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके तो अभी सबसे पहले मेरी नीड रहेगी क्या बोलते हैं रूम की, तो अभी देखते हैं यहाँ पे सस्ता अच्छा रूम कहाँ मिलेगा। अभी रूम की देखते हैं, तलाश करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? अबू धाबी जा रहे हो? चलो चलो बहुत बढ़िया। और ये जो एरिया देख रहे हो, ये सामने मशीन जो चल रही है, इसमें आपका सामान होता है, जो लगेज होता है, जिसका ज़्यादा लगेज होता है। जैसे मेरा एक बैग था तो मैं साथ में लेके सफ़र कर रहा था, पर यहाँ पे अगर दो चार ज़्यादा बैग होते हैं तो वो उस तरीके से लेकर के आते हैं। और यहाँ के आप बाथरूम भी देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत बाथरूम यहाँ के बना रखे, एयरपोर्ट के बाथरूम कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो और भी चीज़ें दिखाते हैं आपको बाहर चल के। तो एक चीज़ आपको बता दूँ, जब से मैं एयरपोर्ट पर उतरा हूँ तब से धनाधन मेरे फ़ोन पे फ़ोन आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि फ़्लाइट मोड में रखना पड़ता है एयरपोर्ट में, और प्लेन के अंदर रहते हो तो फ़्लाइट मोड रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त जो आने वाले हैं उनके धनाधन फ़ोन आना शुरू हो गए कि भाई खान भाई कहाँ हो, फटाफट मिलो, खान भाई थाने आ जाओ, खान भाई कुरला आ जाओ, खान भाई जरीमरी आ जाओ, खान भाई भिवंडी आ जाओ। तो मेरे दोस्त लोग आने वाले हैं, तो चलो उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। और ये एयरपोर्ट एरिया देख सकते हो, काफ़ी शानदार है, और मेरा दोस्त आने वाला है। पहुंच चुका हूँ मुंबई के एयरपोर्ट में, जहाँ पे हमारा भाई इब्राहिम मिल चुका है, ये देखो। तो गाइस फाइनली मेरे को पिक कर चुका है मेरा भाई। तो अभी मैं बता रहा हूँ ना, माशाल्लाह अल्लाह के करम से कि मुंबई के अंदर हमारे बहुत भाई लोग मौजूद हैं, जो कि अभी एक भाई है जो कार लेके आ रहे हैं, जो थाने के अंदर लेके जाएंगे मेरे को। थाना एरिया पड़ता है यहाँ से बहुत दूर है, पर ये मेरा भाई यहीं रहता है एयरपोर्ट के पास। मैं बोला खान भाई आ गए, तो मैंने भाई फटाक से लेने आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई। तो इंशाल्लाह मुंबई में मेरा भाई आएगा ना इब्राहिम, तब इसको घुमाएंगे। तो चलो अभी फिलहाल तो कुरला एरिया दिखाते हैं आपको। और सबसे पहले नीड होती है रूम की, तो वो भी देखेंगे कैसा क्या सस्ता रूम मिलता है, कैसा मिलता है, क्या होता है। और अब पार्ट टू कल आएगा, जिसके अंदर मैं रूम के बारे में जानकारी दूंगा, सस्ता अच्छा खाना कहाँ मिलेगा और सस्ता अच्छा रूम कहाँ मिलेगा मुंबई शहर पे, और कितना किफ़ायती रेट में मिलेगा।